वैसे गाइस मैं बहुत दिनों के बाद निकला हूँ किसी रोड ट्रिप पे या फिर ऐसे मतलब घूमने के लिए, तो मतलब व्लॉग करने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था। तो अचानक से हमने सोचा कि कर ही लेते, अगर जा रहे हैं तो कर ही लेते हैं व्लॉग, तो इसलिए हमने व्लॉग करना स्टार्ट किया और आपको दिखाएंगे सब कुछ। गाइस हम अभी थोड़ा रोड के साइड पे रुके हुए हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे हमारा कार है इधर पे और वो न्यूटन आ रहा है, और इधर से गाइस बहुत सारे गाड़ी जा रहे हैं। हम कटहल तली से होके फिर पत्थरगंदी से जो बाईपास होता है उससे जाएंगे रामकृष्णा नगर तक, और वहां से जाएंगे सोनबिल तक। अगर हम मतलब मेन रोड से जाते हैं ना, मेन रोड से क्या प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पर मतलब वहाँ पे रोड जो है बहुत ही टूटा हुआ रोड है, मतलब बहुत ही मतलब खराब रोड है, तो खराब रोड से मतलब जाने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, इसलिए हम थोड़ा मतलब शॉर्टकट रोड से मतलब जाने वाले हैं हम, तो इसलिए हम इस रोड से जाने वाले हैं। You had to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down. हाँ तो गाइज हम अब बाईपास में घुसने वाले हैं, और यहाँ से बाईपास रोड है और वहाँ से हाईवे जाता है। तो बाईपास क्या होता है, पत्थरगंदी जो सिटी है, जो टाउन है, उसको बाईपास कर देता है, उसमें घुसना नहीं पड़ता है, यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं हम लोग। तो देखिए गाइज कितना सुंदर है यहाँ का व्यू, सामने पहाड़ है और पूरा स्ट्रेट रास्ता है, थोड़ा कर्व्स है पर बहुत ही अच्छा रास्ता है ये देखिए गाइज। बहुत ही सुंदर है भाई, बहुत भैया। आगे नगर यहीं से जाते क्या? आगे नगर यहीं से जाते क्या? सोनबिल देखने के लिए घर से निकल गए। उसके बाद रास्ते में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम नहीं है उसका लोकेशन क्या है, तो फिर भी लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है, बोल रहा है इधर से जाओ। तो ठीक है, अभी हम लोग अनिपुर आ गए है, उसके बाद शायद रामकृष्ण नगर आएगा, उसके बाद लोगों को पूछेंगे, लोग बता देगा उसका एक्चुअल लोकेशन क्या है। उसके बाद आने के पहले उसका जो मतलब एक्साइटमेंट था ना, वो बहुत अच्छा था, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे लोगों ने बोला है वो जो घूमने के लिए जो सोनबिल का माहौल है बहुत अच्छा है, लेकिन हमको तो मालूम नहीं है क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं उधर पर। जाने के बाद असलियत पता चलेगा वो अच्छा है या बुरा है, शायद तो अच्छा होगा। रिव्यू देंगे हम आपको, बहुत बढ़िया रिव्यू। ओके, बाकी तो हमारा जो साला जी है ना, वो बाकी हम लोगों आप लोगों को दिखा देगा उसका माहौल कैसा है, उसका बाकी जो डिटेल है ना, समझ रहे हो ना, और उससे पूछ लेना। ठीक है, बताएंगे टाइम टू टाइम आप लोगों को, सब आपको बताएंगे कि कैसे क्या होगा। ओके, वैसे हम थोड़ा रुके इधर से, थोड़ा दुकान से कुछ खरीद लेते हैं खाने के लिए, हमने सिर्फ सुबह कुछ खाया था निकलने के वक्त, अभी थोड़ा ले लेते कुछ और जाके फिर वहाँ पे। हम तो ऐसे पिकनिक के मतलब मूड में नहीं आए थे कि वहाँ पे जाके कुछ खाएंगे मतलब पका के, ऐसा कोई यह पिकनिक है पर मतलब छोटा वाला पिकनिक है हमारा, तो इधर से कुछ ले लेंगे गाइस, लेके हम फिर से सोनबिल जाके हम खाएंगे। ये सब ले लिया, हमारा फंड मिल गया गाइस, ये थोड़ा बहुत ही हाँ हो जाएगा, ये लाइट पार्टी, ये सिर्फ उसके लिए है गाइस, हमारे लिए और भी है। हाँ, अभी गाड़ी में रखा हुआ है, ये सिर्फ उसके लिए है, ये अकेले ही खा जाएगा ये सब। हाँ गाइस, ये बाजार घाट है
और यहाँ से सोनबिल का शॉर्ट में रास्ता है जो हमने पूछा था थोड़ी देर पहले, जो बता रहे थे वो लोग। तो यहाँ से राइट में कोई रास्ता जाता है सोनबिल के लिए, बहुत ही शॉर्ट में वो रास्ता है। अभी पूछेंगे हम फिर से कि राइट में जो रास्ता है, इधर पे एक राइट में रास्ता है, यही रास्ता है क्या या नहीं। अब थोड़ा सोनबिल रास्ता गाड़ी কাকু সোনবিলের রাস্তা এটা না সুজা কতটুকু দূর হইব এদিকে না নেই আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ দাদা তো উনোনে বাতায়া কি ইধর সেই সোনবিল কা রাস্তা হ্যায় জো কি বহুত হি শর্ট মে রাস্তা হ্যায় और हम कहाँ कहाँ आर के नगर जा रहे थे पहले, आपको मैंने व्लॉग में पहले बताया था कि आर के नगर से जाना पड़ता है, इसलिए मैंने बोला कि मैंने इस रास्ते से मतलब मैं कभी नहीं गया, ये मेरे लिए भी बहुत नया रास्ता है, इसलिए हम पूछ पूछ के जा रहे हैं इस रास्ते से। गाइज हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है बहुत बड़ा स्कैम। हम जा रहे थे तो यहाँ पे सामने जाके एक मतलब मार्केट टाइप का है, उधर पे हम रुके रुके पूछे कि सोनबिल किधर है, कोई है तो पूरा एरिया ही सोनबिल है, अब जाना कहाँ जाते हैं मुफ्ती साहब? जी बहुत नाजुक सूरत हाल है जी लाई मत बिठाने तो हम तो मतलब प्रॉपर जो लोकेशन है उनका उसका नाम ही नहीं जानते तो उन्होंने बोला कि आप वो रास्ता छोड़ के ज्यादा आ गए, आप पीछे जाओ लेफ्ट जाओ, पीछे जाके थोड़ा सामने जाके लेफ्ट पे जाते रहो। वो बहुत पहले से एक घंटे पहले से वही स्कैम हो रहा है हमारे साथ। मैम आई डोंट नो के डबल सवारी लगी है, आई नीड news but I don't know I see this news but I don't see हमारा गाड़ी थोड़ा नीचे से बॉडी टच हो गया था एक पोल पे, तो थोड़ा उतर के हम लोग इंस्पेक्शन किया कि मतलब क्या हुआ गाड़ी को, मतलब मुझे बहुत जोर से आवाज आया था। A few inches later भाई बहुत जगह घूमने के बाद फाइनली हम मेन रोड पे पहुंच गए। One eternity later गाइस फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और बाहर बहुत ही शोर हो रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर आके बात कर रहा हूँ आपसे क्योंकि इधर पे मतलब शोर कम होता है ना, इसलिए। तो ये पूरा घूमेंगे हम, बोट भी फेरी करेंगे और पूरा दिखाएंगे आप सबको कि यहाँ पे व्यू कैसा है, कि आप आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। मैंने वैसे जब एंट्री किया था तो इधर पे मैंने देखा कि बहुत सारे पिकनिक के लिए गाड़ी आई हुई थी और बहुत सारे लोग पिकनिक के लिए यहाँ पे आए हैं, वो खाना बना रहे फिर खाएंगे। हम तो वैसे घूमने के लिए आए थे और अभी दिखाएंगे हम आपको कि इधर पे आप घूमने के लिए आ सकते हैं क्या और क्या क्या चीज़ें इधर पे है। गाइज मेरे फ़ोन का बैटरी लो हो चुका है अभी, इसलिए मैं मेरे पापा के फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ। तो ये बोट मिला है हमको, इस पे चढ़ेंगे हम और इससे हमको लेके जाएंगे वो दूर, बहुत दूर लेके जाएंगे जो हुआ गाइज हमारे साथ। भाई 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 ये तो हिल रहा है भाई, ये तो हिल रहा है ये भाई भाई न्यूटन मेरा फोन पकड़, ये अंदर का माजरा कुछ ऐसा है। 2 hours later हमारा जो बोट है, बोट का जो पंप मशीन है वो अभी चल नहीं रहा है, वो कोशिश कर रहा है, थोड़ा दिक्कत है, शायद विंटर सीजन है ना इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन हो जाएगा शायद। चल नहीं रहा है। ये और एक नाव है और हमारा नाव तो अभी नहीं चला, अभी तक चलेगा भाई, अभी पानी ही पानी चारों तरफ, पर इस सीजन में और भी पानी रहता है क्योंकि हम ड्राई सीजन में आए इसलिए पानी थोड़ा कम है, फिर भी एडजस्ट कर लेंगे गाइस इतना जद्दोजहद के बाद आए हैं इधर।
चना खा रहा है वो। कैसा लग रहा है? लगता है अच्छा है। मिडिल में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन अभी तो पता नहीं सब कुछ ठीक चलेगा क्या। बाकी जो समर है मंजिल शायद अच्छा चलेगा। हाँ कैसा लग रहा है ब्रो? हमारे साथ पूरा ट्रेजेडी हो गया आज। अब तो है सब कुछ सही है। सही है सही है। बहुत कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। करो एंजॉय। चल रहा है हमारा नाव, पीछे मोटर लगा हुआ है नाव का। कितनी बार बोलूँगा मैं, एक्चुअली ब्लॉग में नया हूँ ना, तो इसलिए मतलब ब्लॉग में क्या बोलना चाहिए वो एक्सपीरियंस इतना मुझे नहीं है अभी तक। नोटन कुछ बोलना, तू बोल दे, कुछ भी बोल दे। हाँ यही, सामने से और एक नाव आ रहा है। बहुत थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था मैंने क्रॉसिंग, और यहाँ पे और एक क्रॉसिंग हो रहा है। नहीं चल के नहीं जा सकते। ये क्रॉसिंग हो रहा है गाइस, ये क्रॉसिंग हो रहा है, नाव का क्रॉसिंग है ये। नाव में बहुत सारी आदमी, जब क्रॉसिंग होता है ना नाव का, तो नाव का जो इंजन होता है पीछे, तो दोनों नाव का जो इंजन है वो मतलब स्टॉप कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, क्योंकि वरना क्या होगा, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है। तो अभी वो कुछ है ना, वो इसके क्या बोलते हैं, ऐसा बड़ा सा लकड़ा जैसा होता है ना, उससे चलाना पड़ रहा है। हाँ उस काम चलाना पड़ रहा, काम है, काम चलाना ऐसे पड़ रहा है। बैठा से उसको बैठा बोलते हैं वो बंगाली में, बैठा बोलते हैं उसको। अभी फिर से चालू हो गया गाइस, चालू हो रहा है। ठीक है, क्या नहीं नहीं डूबेगा ना, ऐसा नहीं है। तुझे डर नहीं लगता? ये हमारे पापा, ये कुछ पूछ रहे हैं भैया से, मछली पकड़ने के शौकीन है ये भी। Something, yeah. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something. Yeah. That's right. Let's go. Yeah, when you're feeling down and you're out, like you got nothing but doubt, you're alone in the crowd, just trying to figure it out. All that is bad, and this money got you feeling left out. Listen up to me now, every word that's out of my mouth. Let's wake up, it's me. You're gonna follow your dreams, or are you just gonna be another cog in the scene? You feel the hope in this beat, yeah, the hope that you need to proceed and be exactly what you want it to be. I feel right, and I'm proud, hype and I'm loud. I'ma shout all about how I feel in the now. Ain't nobody ever gonna try to change me, till I'm dead, pushing up daisies. I'm alone in the crowd, I won't feel down. I got hope right now, and I know I'll be found. I don't really care just what all other haters gotta say. I know everything I do is gonna make them fade away. Yeah. And when you feel like you're nothing, but you wanna be something, yeah. Well, all you really need is hope. I just want you to trust me if you wanna be something, yeah. Yeah. Then all you really need is hope. Take a look in the mirror, are you seeing some fear? You hear the voice in your ear, can you start to see clear? Are the bad thoughts near? Or can you be where your feet are? Yeah, when you stand right here and say no, I'm never gonna give up, I'm never gonna slow. The one that doesn't give up, never loses to a foe. हमारा घूमना हो गया, अभी हम घर जा रहे हैं, गाड़ी पे हैं। और गाइस जाते वक्त तारकनगर होके जाएंगे, क्योंकि वो जो रास्ता था वो तो आपने देख ही लिया वीडियो पे। किसी की मत सुन के, मतलब किसी की सुन के मत आओ पहली बार। और घूमने के लिए हम चार जन थे, चार जन ने हमने जो बोट लिया था वो छोटा वाला बोट था, बड़ा भी ले सकते हो आप, तो वो बहुत पैसा बोलेगा, ठीक है, 500 बोलेगा, 700 बोलेगा। हम चार जन थे, चार जन में 300 रुपये दे के बोट में गए और घूम के चले आए। 300 रुपये भी ज़्यादा था, हम गलती कर लिया, उनको 250 बोलने का था, पर हमने 300 बोल दिया।
आप जितने मतलब बार्गेनिंग करोगे ना उतना अच्छा आपके लिए। 300 रुपये में हम तीन जने बोट में घूम के फिर आ गए। और आप अगर पिकनिक करना चाहते हो तो गाड़ी लेके आ जाओ, बहुत मस्त जगह है, आप पिकनिक करके जा सकते हो। और वैसे घूमना चाहते हो तो भी आ सकते हो, पर हम ड्राई सीजन में आए ना तो ये मतलब ऑफ सीजन था, उतना पानी नहीं था इसलिए मज़ा नहीं आया इतना, पर फिर भी जो व्यू था वो मस्त था। और कोई चार्जेस नहीं लगता है इसमें, फ्री है घूमना। पूरा पूरा गार्डन जो है विलेज गार्डन सोनबिल नाम है इसका, आप गूगल मैप में देख सकते हो। हमें तो पता नहीं था, मैं पहले भी आया था, मैं आपको बताया था, पर तब जो आया था बहुत रश में आया था तो कुछ याद नहीं था मुझे कि कैसे कुछ क्या कर सकते हैं ऐसे। तो गाइस आप अगर आना चाहते हो तो ज़रूर आना, घूम के जा सकते हो। आर के नगर होके आना गाइस, किसी को रास्ता पूछ के मत आना, क्योंकि आप लोग सोनबिल जो है ना बहुत बड़ा एरिया है, तो ये बड़े एरिया में क्या होता है कि अगर आप बोलो कि सोनबिल जाना है तो वो बोलेगा कौन सा सोनबिल जाना है, कौन से पार्ट में जाना है। तो आप विलेज गार्डन जो होता है सोनबिल का वहाँ पे ही जाना और वही बोलना। तो सबसे मत बोलना, गूगल मैप पर डायरेक्ट सर्च कर लेना और आर के नगर होके आना तो आपको बहुत शॉर्ट पड़ेगा। हम लोग 150 की, हाँ रास्ता बहुत अच्छा है आर के नगर से, और हम जहाँ से आए थे भाई साहब पूछिए मत, आप तो वीडियो में देख ही चुके होंगे। तो गाइज यही तक आज का वीडियो था, और सबको मेरी क्रिसमस, एंजॉय कीजिए। तो चलता हूँ, बाय।